गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि मोटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला मोटर क्या होता है, डीसी मोटर और एसी मोटर। मोटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी मोटर और दूसरा होता है हम लोग का एसी मोटर। डीसी मोटर और एसी मोटर, तो ये दोनों मोटर है क्या? तो दोनों जो मोटर होता है उस दोनों मोटर का कार्य सिद्धांत अगर देखा जाए तो लगभग दोनों का कार्य सिद्धांत एक ही होता है, लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ अंतर होता है। आज हम लोग वही अंतर को देखेंगे कि डीसी मोटर में और एसी मोटर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल के लिए एक बार देख लेते हैं कि डीसी मोटर हम लोग कहते किसको है। तो डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए, डीसी मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आर्मेचर और फील्ड क्वाइल को डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन एसी जो मोटर होता है उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं और आर्मेचर तथा रोटर में जो होता है इंडक्शन क्रिया के द्वारा अर्थात प्रेरण क्रिया के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण वो काम करता है। तो अब हम लोग एसी मोटर और डीसी मोटर का बेसिक चीज हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि एसी मोटर में और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, क्या तुलना होता है, दोनों में किस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एक साइड डीसी मोटर और एक साइड एसी मोटर। पहला जो अंतर क्या होगा कि स्टेटर डीसी मोटर में क्या होता है कि स्टेटर अर्थात फील्ड एवं रोटर अर्थात आर्मेचर दोनों को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसमें फील्ड एवं रोटर अर्थात आर्मेचर दोनों को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। लेकिन एसी में क्या होता है कि केवल हम लोग स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है कि आर्मेचर को सोर्स से जोड़ने के लिए, जैसे डीसी मोटर में अगर हम लोग बाहर से जो सप्लाई देते हैं उस सप्लाई को देने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं, अर्थात सबसे पहले कम्यूटेटर में देते हैं और कम्यूटेटर से वो अंदर जाता है। लेकिन एसी मोटर में कम्यूटेटर का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और तीसरा अंतर क्या होता है हम लोग का, तो तीसरा अंतर यह होता है कि डीसी जो मोटर होता है इसमें घूर्णन गति, डीसी मोटर का घूर्णन गति जो होता है वह बैक ईएमएफ के समानुपाती, बैक ईएमएफ के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें डीसी मोटर में मोटर का जो घूर्णन गति होता है बैक ईएमएफ के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि एसी मोटर में जो तीसरा अंतर क्या होता है कि घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है और पोल संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा जो अंतर है वो क्या है, तो चौथा अंतर है डीसी मोटर का घूर्णन दिशा जो है आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। डीसी मोटर का घूर्णन दिशा आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन एसी मोटर में उसका घूर्णन का जो दिशा है, घूमने का जो दिशा है
उसको परिवर्तित करना थोड़ा हम लोग के लिए कठिन होता है। और सबसे जो मेन फैक्ट जो है, सबसे मुख्य जो अंतर है क्या है कि डीसी मोटर का साइज का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, और उतने ही क्षमता का जो हम लोग एसी मोटर यूज करते हैं उसका साइज छोटा होता है। तो अभी हम लोग डीसी मोटर और एसी मोटर में ये पांच अंतर देखे। अभी हम आपको बोर्ड पर पांचों अंतर को लिख देते हैं, अगर आपको आवश्यकता हो तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जो जो अंतर हमने आपको बताया था वो अंतर यहाँ लिख दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।